नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे बॉर्डर इंडिया टीवी। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य 15 दिन का एक कारवा चला था कि हर एक व्यक्ति जो भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने वार्ड में अलग अलग कार्य करेंगे। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर के भाटीन के साथ में यहाँ बीच पे आए हैं, यहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि बीच क्लीन तो सब लोग करते हैं, लेकिन आज इन्होंने शाम का वक्त क्यों चुना, क्योंकि जब इनसे मैं बात करा तो इनका कहना था कि यहाँ पे शाम के समय में जो पर्यटक है वो ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे खा के गंदगी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनके सामने अगर ये जो कचरे हैं अगर मैं उठाऊंगा तो उन्हें एक संदेश जाएगा कि आप यहाँ खाने के बाद यहाँ कचरा ना करें। तो ये बात करते हैं राजन पांडे से, क्या कहना है। पहले तो अवधेश जी, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इतनी दूर भाईंदर से इस गोराई बीच पे आप आए, और मैं पूरे मेरे साथी जो लोग आए हैं यहाँ पे, जितने भी साई चरण सोसाइटी के लोग या फिर और भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इस मुहिम के तहत जो मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पे पंद्रहवाड़ा का जो कार्यक्रम हमको मिला था, उसमें से हमने गोल्डनस मंडल की तरफ से काफ़ी कार्यक्रम, एक दो कार्यक्रम किए हैं, और उसी के अंतर्गत ये तीसरा कार्यक्रम भी हमने किया है जो साफ़ सफाई अभियान के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग इधर आए और हमने सबने मिलकर स्वच्छता किया और स्वच्छता का एक मैसेज दिया। शाम का समय हम लोग इसलिए चुने क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक और जो रहवासी हैं वो इस बीच का आनंद लेने को आते हैं, तो हमको वो शायद स्वच्छता करते हुए देखने के बाद वो शायद स्वच्छता में खुद योगदान देंगे और या फिर आगे चलकर गंदगी फैलाने में भी सोचेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शाम को लगाया और बहुत ही उमदा तरीके से हम सब ने मिलकर ये काम किया। मेरे साथ मंडल अध्यक्ष रजनी मैडम, उसके बाद प्रभाग अध्यक्ष था अनीता सिंह जी, और ललिता मैडम जो हमारी उपाध्यक्ष है जिला की, और बहुत सारे हमारे भी हैं वीडियो में सब दिख रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और जो कार्यकर्ता नहीं है आम नागरिक हैं उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया, और ऐसे ही हम आगे भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। जब हमने इनसे बात किया था और उन्होंने खुद कहा कि एक लोगों को संदेश जाना चाहिए कि आप जब बीच पे आते हैं तो जो खाने पे चीज़ें लाते हैं आपने अक्सर देखा होगा लोग यहीं पे फेंक देते हैं, जिससे गंदगी भी होती है। जो इनका एक मुहिम था शाम के समय में आके ये स्वच्छता अभियान करना, उसके बारे में क्या कहना है आपका। अवधेश जी, जैसे कि आप जानते हो गोराई मीरा भाईंदर का एक हॉट स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट है जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय बिताने आते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि यहां जो भी लोग आते हैं वो गंदगी यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो इस मुहिम के तहत, जैसे कि आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी हमारे पंथ प्रधान जी, उनका 15 डेज़ का एक मुहिम चला था जिसके तहत हमारे गोल्डनेस मंडल के सभी पदाधिकारियों ने काफ़ी कार्य किए, जैसे वृक्षारोपण हो गया, मेडिकल कैंप हो गया, और आज ये स्वच्छता अभियान हमने ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके तहत हमने ये गोराई स्पॉट चुना है क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी संख्या में आते हैं और शाम के वक्त अपना समय व्यतीत करते हैं। तो उनको हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप अपने लिए और अपने आने वाले जनरेशन के लिए ये बीच को क्लीन रखें और स्वस्थ रखें ताकि ये टूरिस्ट स्पॉट सब यहाँ आके एंजॉय कर सकें। और जैसे कि आपने देखा कि ललिता मैडम का मानना था कि एक मीरा भाईंदर का हॉटस्पॉट है जो कि जहाँ पे मीरा भाईंदर के नहीं बल्कि आसपास के शहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं और बीच का आनंद लेते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें खाने में जो चीज़ें रहती है खाते पीते हैं और यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, लोगों को एक संदेश जाएगा। तो हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हैं, बीजेपी के पदाधिकारी तो हैं ही, साथ में कुछ आम नागरिक। आप तो भाजपा से नहीं है, एक आप आम नागरिक हैं, तो आपने क्या समझा और इनका साथ देने के लिए यहाँ पे आए आज। जी, पहले तो मैं राजन जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बीजेपी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने यह सहकार्य करने के लिए हमें काबिल समझा। हम, जैसे आपने कहा, हम भाजपा या बीजेपी के पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम साई चरण रेसिडेंसी के निवासी हैं, तो ये जो इनिशिएटिव है वो हमें भी सुन के अच्छा लगा कि हम हमारी जनरेशन को बहुत कुछ नहीं दे पाएंगे, बट हम हमारी जनरेशन को जो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है प्राकृतिक रूप से, हमें उसे संजो के रखना है कि हम एटलीस्ट वो उन्हें पास ओवर कर सकें। तो एटलीस्ट अभी हम जब ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो हमें ये था कि इवनिंग का टाइम उन्होंने जो चूज़ किया है वो बहुत अच्छा चूज़ किया है कि एटलीस्ट हमें देख के आज नहीं तो कल लोगों के मन में कहीं ना कहीं तो ये आएगा नेक्स्ट टाइम कचरा फेंकने से पहले कि अगर हम उठा नहीं सकते तो हम फेंके भी नहीं।
तो यही है कि हम यही मतलब हमने हमारे साथ बच्चों को भी इन्वॉल्व किया है कि एटलीस्ट उनकी जनरेशन भी ये चीज़ें सीखे। और मैंने भी यहाँ पे देखा, जब आप लोग यहाँ पे कचरा उठाते, कुछ बच्चे भी आए, कुछ लोग भी आए, ना फेंकते हुए आप लोगों के हाथों में दिया, ये हमने खुद यहाँ पे देखा। तो बात करते हैं यहाँ पे और लोगों से, वो लोग भी इस अभियान में जुड़े हैं। मैंने देखा अभी यहाँ पे जब आप लोग कचरा उठा रहे थे तो आप लोग को भी कई लोगों ने कचरा दिया कि थैली में डालो, तो आपको यहाँ पे आकर कैसा अनुभव रहा और क्या संदेश दोगे यहाँ पे आने वाले लोग? जहाँ कहीं भी जाए कचरा इधर उधर ना फेंकिए, डस्टबिन रहेगा वहाँ पे उधर ही कचरा फेंकिएगा। अगर आप जहाँ पर भी जाए तो डस्टबिन में ही कचरा फेंके, इधर उधर ना फेंके, क्योंकि उससे पर्यावरण दूषित होता है। हम यहाँ राजन अंकल के साथ आए हैं बीच साफ करने के लिए, हमने बीच साफ किया और हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कितना कचरा उठाया बेटा? चार। चार, क्या कहोगे लोगों को? नीचे कचरा दिखे तो उसको डस्टबिन में डाले। आपने देखा कि राजन पांडे के साथ में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी तो आए हैं, उनके साथ में आम नागरिक और छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। ये लोगों ने भी इनका सहयोग देते हुए कचरे उठाए और लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर आप पिकनिक स्पॉट पर आते हो तो उसे पिकनिक जैसा इंजॉय करो, न कि यहाँ पे कचरा फेंको। जहाँ भी आपको डस्टबिन देखे आप वहाँ पे फेंको। और हमारा भी लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप बीच पे आते हो तो यहाँ पे गंदगी ना फैलाए। आप यहाँ पे आते हो, जो चीज़ें खाते हो तो अपने थैली में ले जाकर जहाँ भी आपको डस्टबिन दिखे आप उस कचरे को उस डस्टबिन में डाल दो। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।